कमज़ोर हड्डियों को मजबूत करना, दबी हुई नसों को सही करना, साइटिका की प्रॉब्लम, इन सारी समस्याओं में काफ़ी कारगर है। साइटिका का दर्द बहुत ही आम है, बट साइटिका एक नस होती है जो कि कूल्हे से लेकर पैर तक के पिछले हिस्से से होती हुई एड़ी तक जाती है। इसमें बहुत ही तेज़ी से दर्द होता है। हालांकि मार्केट में बहुत सारी इसकी दवाएँ आती है जो कि इंस्टेंट रिलीफ तो देती है, बट लॉन्ग टाइम के लिए वो दवाएँ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। इसके लिए आपको आयुर्वेद का सहारा लेना होगा। और साइटिका का सबसे असरदार जो और कारगर इलाज जो है वो है मालिश। दोस्तों, साइटिका के इलाज के लिए तरह तरह के तेल की आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जिससे मालिश के द्वारा आप इसको सही कर सकते हो। आज का जो वीडियो है खास इसी पर बनाया गया है। साइटिका हो या दबी हुई नशें हो या हड्डियाँ जो हैं कमज़ोर हो गई हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन होम रेमेडीज़ आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं। इस होम रेमेडीज़ का जो इंग्रेडिएंट है वो है सबसे पहले मेथी आपको लेना है, मंगरेल जिसको काला जीरा भी कह सकते हैं, सौंफ लेना है, सरसों का दाना लेना है, अजवाइन, अदरक, लहसुन और तिल का तेल लेना है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ रख लेना है। इसके बाद मेथी, मंगरेल, सौंफ, सरसों का दाना, अजवाइन को बारीक पाउडर बना लेना है। और ध्यान रखिएगा कि अदरक और लहसुन जो है उसको छोटा छोटा कटिंग कर लेना है। उसके बाद पेन में तिल का जो ऑयल आपने लिया है इंग्रेडिएंट में, उस तिल के ऑयल को डालना है और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बढ़िया से फ्राई करना है और उसमें मिक्स करना है। बढ़िया से मिक्स करके और उसको बहुत बढ़िया से उसको फ्राई करना है और मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, उसको बढ़िया से छान लेना है, फ़िल्टर कर लेना है। और फिल्टर करने के बाद एक शीशी में, जो ट्रांसपेरेंट या किसी भी तरह की शीशी जो है, उसमें आपको इस ऑयल को रख लेना है। अब ध्यान ये देना है कि ये जो ऑयल आपने बनाया है सारा इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, ये एक्सटर्नल यूज के लिए है, इसको इंटरनल इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है उस जगह पर आप इस ऑयल को हल्का हल्का हाथ से इसको मसाज कीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि आप पंखा के नीचे या डायरेक्ट हवा में टच न रहें। दोस्तों, ये जो भी मैंने इंग्रेडिएंट बताया है, ये साइटिका हो या दबी हुई नशे हो या कमज़ोर हड्डियाँ गठिया जैसे संबंधित सारी बीमारियों में काफ़ी फ़ायदेमंद है। गठिया जो है एक ऐसा रोग है, अर्थराइटिस, जो कि दुनिया भर के करोड़ों लोग इससे परेशान है। इसका मेन रीज़न क्या है, शरीर में जो जोड़ होते हैं, एक नर्म और लचीला टिशू जिसको कार्टिलेज कहते हैं, उस पर जब दबाव पड़ता है या उसमें जो तरल पदार्थ होते हैं वो सूखने लगता है, तो हमारी हड्डियां जो है एक दूसरे से रगड़ खाती है, जिससे ये परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए इंटरनल भी बहुत सारी मेडिसिन है जिनको कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बट एक्सटर्नल ऑयल की बात करें तो ये जो मैंने अभी होम रेमेडीज़ बताया है इसको आप यूज कीजिए। आप इसको लॉन्ग टाइम इस्तेमाल कीजिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम इसका मालिश कीजिए। आपको इसका रिज़ल्ट 3 से लेकर 6 महीना तक इसको यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि साइटिका हुआ, दबी हुई नशे हुई, कमज़ोर हड्डियाँ गठिया वगैरह से रिलेटेड, या कहीं भी मांसपेशियों में आपको पेन हो रहा है उसमें भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं काफ़ी यूज़फुल हैं, तो उसका ये इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी तरह का फीडबैक या वीडियो में सुधार चाहते हैं तो कमेंट सेशन के जरिए कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। यदि चैनल में नए हैं, इसी तरह की नई जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नई जानकारी, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए